कौन है ये गौतम गंभीर, क्यों बहुत से क्रिकेट फैंस गौतम गंभीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में 97 और T20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल में 75 को छोड़कर इस प्लेयर ने कुछ खास किया भी था जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता रहता है? और क्यों MS धोनी के नाम से इतना ज्यादा चिढ़ता है गौतम गंभीर? जो लोग 2015 के बाद से क्रिकेट देखना स्टार्ट किए हैं उन्हें पता ही नहीं है कि गौतम गंभीर किस चीज का नाम है। 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने 157 रन बनाए थे जिसमें से गौतम गंभीर ने अकेले ही 75 रन बनाए थे, जिस वजह से भारत ने वो पहली और आखिरी बार के लिए T20 वर्ल्ड कप जीती थी। सीवी सीरीज जो इंडिया 2008 में ऑस्ट्रेलियन सॉयल पे जाकर जीत के आई थी, उस सीरीज में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे गौतम गंभीर। साल 2009 में न्यूजीलैंड में जाके मैच ड्रॉ करवाने के लिए गौतम गंभीर ने 11 घंटे लगातार बैटिंग करके 436 बॉल खेले थे, जिस कारण वो मैच ड्रॉ हुआ था। और गौतम गंभीर ने उस सीरीज में 89 के एवरेज से बैटिंग करते हुए करीब 450 रन्स बनाए थे, और जिस वजह से इंडिया 41 इयर्स के बाद न्यूजीलैंड में जाके 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत के आई थी। उसके बाद आज तक न्यूजीलैंड में जाके इंडिया टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाई है। वर्ल्ड कप 2011 में 393 रन बनाए थे गौतम गंभीर ने, जिस कारण वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 6 पर थे गौतम गंभीर। और उन 393 रन में से क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने आई 50 और फाइनल में श्रीलंका के सामने बनाई गई थी 97 रन, जो इंडिया के विक्ट्री के वन ऑफ द मेन रीजन थे। IPL 2011 में भी गौतम गंभीर सबसे ज्यादा प्राइज में बिकने वाले खिलाड़ी बने थे। उस वक्त गौतम गंभीर को 12 करोड़ देके कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था, और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी किस्मत ही बदल दी थी गौतम गंभीर ने। 2011 में पहली बार के लिए IPL के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। 2012 में गौतम गंभीर के कैप्टनशिप में IPL के चैंपियन बनते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। फिर 2014 में एक बार फिर IPL ट्रॉफी उठाती है गौतम गंभीर के KKR ने। 2011 से 2017 तक गौतम गंभीर के अंडर कोलकाता नाइट राइडर्स IPL के वन ऑफ द बेस्ट टीम बनके सामने आई थी, बट 2018 में गौतम गंभीर KKR को अलविदा कह देते हैं। अपनी लास्ट IPL होम फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलना चाहते थे गौतम गंभीर, जिस कारण KKR को छोड़कर दिल्ली की ओर जाते हैं गौतम गंभीर, और इसी के साथ शुरू होता है KKR की डाउनफॉल। 2022 में श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप में खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स टेबल के नंबर 7 टीम बनकर IPL लीग फिनिश करते हैं। 2023 में नीतीश राणा के अंडर भी कोलकाता नाइट राइडर्स सेम नंबर 7 पर ही फिनिश करते हैं IPL, बट गौतम गंभीर वापस आते KKR की छवि पूरा बदल जाते हैं। पॉइंट्स टेबल के टॉप पर फिनिश करते हुए KKR IPL हिस्ट्री के सबसे डोमिनेंट टीम बनके IPL ट्रॉफी उठाते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों बहुत से फैंस गौतम गंभीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? इसका मेन रीजन है ये, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन गेटर रहे, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सब खिलाड़ियों ने अपनी कंट्रीब्यूशन करी। अगर आप पूरी कंट्रीब्यूशन देखें, और वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी कभी भी नहीं जिताता, वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी जिता भी नहीं सकता, वर्ल्ड कप एक शॉट जिता भी नहीं सकता। वन टीम व्हिच आई वांटेड टू बीट एवरी टाइम एंड प्रोबब्ली इवन इन माय ड्रीम्स वाज अप ऑनेस्टली नॉट वन एनीथिंग स्टिल थॉट दैट दे वन एवरीथिंग एंड दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड एंड कांट टेक दैट एंड प्रोबब्ली। असल में गौतम गंभीर हमेशा ही मुंह पे बोलता है और सच बोलता है, जो हम इंडियन सुनने के काबिल नहीं है, जिस कारण गौतम गंभीर को बेवजह हेट मिलती रहती है। गौतम गंभीर की बात साफ है, क्रिकेट एक टीम गेम है, हारते भी तो एक टीम है और जीतते भी है तो एक टीम जीतता है। किसी को भी इंडिविजुअल ज्यादा क्रेडिट देना पसंद नहीं करते हैं गौतम गंभीर, और न ही किसी की भी पर्सनल माइंडस्टोन को ज्यादा हाइप करना पसंद करते हैं। अश्विन के साथ एक पॉडकास्ट में गौतम गंभीर बोलता है, जो बैट्समैन ऊपर बैटिंग करते हैं उनके पास सेंचुरी बनाने का ज्यादा मौका रहता है, पर कभी कभी नंबर 5-6 के बैट्समैन के बनाई हुई 10-20 रन मैच डिफाइनिंग होता है, पर मीडिया कभी भी उनको हाईलाइट नहीं करते हैं जिसने 100 मारी है उसको। इसी कारण से कुछ प्लेयर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और बाकी के प्लेयर को कोई भी याद नहीं रखते है। इंग्लैंड के फिल जर्ट IPL खेलने के बाद इंग्लैंड पहुंचते ही बोलता है KKR एक अलग टीम है, जहां किसी भी इंडिविजुअल की बात नहीं होती है। गौतम गंभीर हमेशा ही बोलता रहता है, एक टीम बनके कुछ एक्स्ट्रा करो, किसी को भी बिग स्मॉल प्लेयर इंटरनेशनल डोमेस्टिक प्लेयर में डिवाइड नहीं किया जाता है, एवरीवन ट्रीटेड इक्वली। अब बहुत से धोनी फैंस ये मानते हैं कि गौतम गंभीर महेंद्र सिंह धोनी से चिढ़ता है, पर रियलिटी कुछ और है। काफी बार गौतम गंभीर धोनी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। आई एम श्योर कि जो उन्होंने कदम उठाया है कश्मीर में जाके सर्फ करने का, पेट्रोलिंग करने का, आई थिंक ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। यहाँ से बहुत यूथ मोटिवेट होंगे और ये बहुत बड़े रोल मॉडल बन सकते हैं MS धोनी। गौतम गंभीर सिर्फ एज ए प्लेयर नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। ही इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्लेस टू डोनेट हिज ऑल बॉडी ऑर्गन आफ्टर हिज डेथ।
एक रुपए में डेली 5,000 से भी ज्यादा लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं गौतम गंभीर फाउंडेशन। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के बच्चों को पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी गौतम गंभीर ने अपने ऊपर लिया है। नाउ गौतम गंभीर हीरो या फिर विलन, इट्स अप टू यू। क्रिकेट रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल।